हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइजर हमारी, दिस इज सिप्रा सरोज। सो आज हम फिर से आए हैं नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हम क्या टॉपिक देखेंगे? हम टॉपिक देखेंगे पॉलिटी सेक्शन का। पॉलिटी सेक्शन का हम देखेंगे टॉपिक क्वेश्चन आवर क्या होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में, इससे चलिए आज हम ये देखेंगे कि व्हाट इज क्वेश्चन आवर। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारा जो पार्लियामेंट है उसमें जो है ये क्वेश्चन आवर का महत्व है। क्या है क्वेश्चन आवर? जो है टाइम है, उस बीच जो है क्या होता है वो हम देखेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन आवर किस बीच होता है। तो 11 एएम से 12 पीएम तक एक घंटे का समय है, इस बीच जो है क्वेश्चन आवर चलता है। इसी के ठीक बाद यानी 12 बजे से आपका शुरू हो जाता है कौन सा? जीरो आवर। ठीक है, क्या? जीरो आवर। तो टाइमिंग पूछ सकता है आपसे कि जीरो आवर का टाइमिंग क्या है, तो आफ्टर लगाओगे आप 12। ठीक है, आफ्टर 12 पीएम। अच्छा, तो अब होता क्या है क्वेश्चन आवर ये देख लेते हैं। तो देखिए, जनरली फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग ऑफ लोकसभा इज डिवोटेड टू क्वेश्चंस एंड दैट आवर इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। ठीक है, मतलब कि जो फर्स्ट आवर होता है लोकसभा का, जो सिटिंग होता है ना, ठीक है, जो बैठक होता है लोकसभा का, सिटिंग जो होता है उसी का जो फर्स्ट आवर होता है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्वेश्चन आवर। ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी मिनिस्टर्स हैं उनसे, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, लोकसभा के, वो सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पुट अप करते हैं, उसका जो है आपको आंसर देना होता है। तो यहाँ पे जो है जितने भी मिनिस्टर्स होंगे उनको मेंबर्स के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर देना होता है उनको। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे क्वेश्चन आवर का मतलब आपको समझ में आया। अब दूसरा ये है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंटल एक्टिविटीज होती है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। दूसरा, अच्छा ये तो हो गया, लेकिन कितने टाइप्स के यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं? तो देखिए, तीन तरीके क्वेश्चन आवर होते हैं। क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, स्टीयर्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टीयर्ड क्वेश्चन होते हैं, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, नाम से नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा डीप जाते हैं। देखिए, स्टीयर्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनको जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मेंबर्स हैं वो ओरल क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, मतलब जो ओरल क्वेश्चन जो है वो ओरल क्वेश्चन पूछेंगे और उनको ओरली उसका आंसर देना होगा। उसके बाद क्या है कि 20 क्वेश्चंस जो है सिर्फ लिस्ट किए गए हैं, 20 क्वेश्चन सिर्फ एक दिन में, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही लिस्ट किए जाते हैं यहाँ पे, और वही क्वेश्चन यहाँ पुटअप किए जाएंगे और वही क्वेश्चन यहाँ से इनसे पूछा जाता है। ठीक है, जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको यहाँ पे आंसर देना होगा। अच्छा, ये तीन हो गया। दूसरा, अनस्टीयर्ड। अनस्टीयर्ड मतलब ये होता है कि जिनको ओरल आंसर नहीं दिया जाता, ना ही ओरल आंसर पूछा जाता है। एक और चीज यहाँ पे है, स्टीयर क्वेश्चन ये है कि अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसे, उसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अनस्टीयर में क्या है, यहाँ पे ओरल और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ना ही पूछा जाता है ना ही यहाँ बोला जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए, जो 230 क्वेश्चन का एक लिस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, वो भी रिटर्न होता है पर डे, यानी एक दिन में आपको जो है 230 क्वेश्चंस यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा जो है वो पुटअप किया जाता है। तो जो भी सिटिंग ऑफ द हाउस है उनके पास जाता है और वो उनके पास भेजते हैं जिनसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका आंसर देना। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है? देखिए, इसमें जो है पब्लिक इंपॉर्टेंस से रिगार्डिंग क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अर्जेंट होते हैं, तो उनको पूछने के लिए आपको 10 दिन पहले ही शॉर्ट नोटिस देना होगा उनको कि भाई हम ये क्वेश्चन पर्टिकुलर पूछने वाले हैं। तो आप आगे अपना सोच रहे हो क्या आपका हिसाब होगा, कैसे आप बताओगे? तो इसलिए आपको 10 दिन पहले ही ये क्वेश्चन शॉर्ट नोटिस भेज दिया जाता है रिगार्डिंग जो भी आपका क्वेश्चंस हो। ठीक है, उसके बाद आप उस शॉर्ट नोटिस के तरह क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, तो उनको जो रिप्लाई जो है उनको इस तरीके से देना होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आवर क्या होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का समझ लीजिए, पॉलिटी सेक्शन से आना ही है। ठीक है, क्वेश्चन आवर से डायरेक्ट क्या लिंक जुड़ा हुआ है? जीरो आवर। ठीक है, जीरो आवर का होता है, जीरो आवर की बात करें तो जीरो आवर कंडक्ट्स आप इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर। ठीक है, ये आप लगाओगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक्स कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।